हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे गर्भ में शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो गर्भ में हमें शिशु का निर्धारण करना है कि वह लड़का है या लड़की है, हम इसको कैसे जानते हैं और इसका कौन जिम्मेदार होता है, मेल होता है या फीमेल, अर्थात पुरुष होता है कि औरत या महिला। तो देखिए, युग्मनज क्या है? युग्मनज जब शुक्राणु और अंडाणु मिल करके एक दूसरे के साथ एक रूप बनाते हैं जो कि संतान की उत्पत्ति करता है, तो उसी कहा जाता है युग्मनज। तो युग्मनज में शिशु के लिंग का निर्धारण होता है, उसी में उनके लिंग का निर्धारण होता है कि आने वाली संतान लड़का है या लड़की है। तो इसको हम कैसे जानते हैं? तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका के केंद्र में 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसको हम 23 जोड़ा भी कह सकते हैं। 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति के होते हैं। इनके कहने करते हैं कि 22 जोड़े, जैसे देखिए, जैसे यक्ष यक्ष और ये भी यक्ष यक्ष है, तो देख रहे हैं ये 22 जोड़ा इनका और 22 जोड़ा इनका, तो माने सब क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं। पुरुष और महिला में ये दोनों 22 जोड़े तो समान होते हैं। और इन्हीं 22 जोड़ों से क्या होता है, उस आने वाली संतान के रंग रूप बनावट और उसके अंदर माता पिता के गुण आदि आने के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। जो 22 गुण सूत्र होते हैं, इन्हीं 22 गुण सूत्रों से बच्चे के अंदर माता पिता के सभी गुण और उसके पैतृक गुण के साथ साथ उसका रूप रंग डेल डाउल हर चीज़ इन्हीं 22 गुणसूत्रों से आते हैं। तो इन्हीं 22 गुणसूत्रों से, जिसमें देख रहे हैं कि दोनों यक्ष यक्ष गुणसूत्र दोनों हैं, तो इस तरह से यक्ष यक्ष गुणसूत्र हैं और ये कितने जोड़े हैं? 22 जोड़े। तो इन्हीं 22 जोड़ों से पूरा शरीर की संरचना होती है। लेकिन इन्हीं के अब देख रहे हैं, जैसे अगर हम मान लें कि यह एक यक्ष है और एक युग्मनज, यह यक्ष है। अब इसमें देख रहे हैं तो यक्ष यक्ष और वाई मिला है, और इसमें देखिए यक्ष और यक्ष है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे अभी आपने देखा कि 22 गुणसूत्र जो होते हैं वह यक्ष और यक्ष होते हैं। यक्ष यक्ष मैंने 22 पुरुष के 22 स्त्री, मैंने जो ये पूरे होते हैं ये सब मिला करके सब यक्ष यक्ष हैं। केवल पुरुषों में एक जोड़ा जो होता है वह वाई वाई होता है, केवल वाई और वाई, जो यही एक जोड़ा है। इसी एक जोड़े से जिसको हम 23वां गुणसूत्र कहते हैं, जिसे हम 23वां गुणसूत्र कहेंगे, तो 23वां गुणसूत्र जो होता है वह है, जब उसका युग्मनज होगा तो एक यक्ष, माने अगर स्त्री का यक्ष है और पुरुष का वाई, तो जब ये दोनों मिलेंगे तब मेल, माने तब लड़का उत्पन्न होगा। लेकिन जब
यक्ष और यक्ष मिलेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा लड़की पैदा होगी यानी फीमेल होगा, लेकिन जब यक्ष और वाई एक गुणसूत्र यक्ष और एक गुणसूत्र वाई मिलेंगे तब लड़का उत्पन्न होता है जिसे हम मेल कहते हैं, और जब यक्ष और यक्ष मिलेंगे तो यह यक्ष और यक्ष जब मिलेंगे तो इसे क्या होगा, इसे लड़की उत्पन्न होगी। तो आपने देखा कि यह 23वां गुणसूत्र जो वाई वाई है, तो जब वाई वाई एक यक्ष के साथ मैंने स्त्री के यक्ष के साथ मिलता है यक्ष वाई होगा, और जब यक्ष वाई होगा तभी मेल यानी लड़का पैदा होगा, और अगर यक्ष यक्ष स्त्री का यक्ष और पुरुष का यक्ष गुणसूत्र मिलेंगे तब लड़की पैदा होगी। तो इसमें देख रहे हैं विशेष करके इसका उत्तरदायी कौन हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि इसका उत्तरदायी पुरुष हो रहा है, क्योंकि 23वां गुणसूत्र जो वाई वाई है यह पुरुष में पाया जाता है, स्त्रियों में नहीं पाया जाता। यह 23वां गुणसूत्र केवल पुरुषों में ही पाया जाता है, स्त्रियों में नहीं पाया जाता। स्त्रियों में सभी यक्ष यक्ष गुणसूत्र पाए जाते हैं, सभी यक्ष यक्ष गुण जितने भी हैं सभी यक्ष यक्ष होंगे, माने अगर हम देखें तो 23 जोड़ा जो होगा ये स्त्रियों के सभी यक्ष यक्ष गुण होंगे, लेकिन पुरुषों में क्या होता है 22 यक्ष यक्ष होते हैं, इस तरह से 22 होंगे, और एक होता है 23 जो वाई वाई होता है। तो यही वाई वाई जब यक्ष माने स्त्री का यक्ष और पुरुष का वाई मिलेगा तब लड़का उत्पन्न होता है, और जब यक्ष और यक्ष पुरुष का यक्ष और महिला का यक्ष मिलेंगे तो लड़की उत्पन्न होगी। तो इसका जिम्मेदार कौन हो रहा है, इसका जिम्मेदार पुरुष होता है कि लड़का उत्पन्न होगा या लड़की उत्पन्न होगा। लेकिन समाज में क्या होता है, अगर इस तरह से नहीं होता तो वह केवल माता को ही इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, माता पुत्र या पुत्री के जन्म के जिम्मेदार नहीं होती, इसके जिम्मेदार पिता होते हैं। इस प्रकार से लड़का या लड़की के जन्म के लिए हमेशा पुरुष ही जिम्मेदार होता है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।